हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपना टेक गुरु और मैं हूं सुशील कुमार। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे होटल मैनेजमेंट का जो NSTAT होता है, यानी कि जो होटल मैनेजमेंट में टीचर रखे जाते हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं NSTAT। तो दोस्तों, ये जो बुक आप देख पा रहे होंगे NSTAT की, ये बुक है डॉक्टर मोहित चंद्रा द्वारा। तो दोस्तों, इस बुक में जो हमारे 2017 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के क्वेश्चन और आंसर इस बुक में। तो फ्रेंड्स, अपना टेक ग्रुप पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। और फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है, हम आपको सारे क्वेश्चनों के PDF भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन की वीडियो हम आपको डेली अल्टरनेट डे पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और साथ में ही हम उन सारे क्वेश्चन पेपर्स की PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, खुशखबरी यहाँ पे ये है, जो NSTAT का एग्जाम है जो अप्रैल में होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी वो पोस्टपोन हो गया है और उसकी जो टेंटेटिव डेट अभी गवर्नमेंट ने रखी है वो है 27th of June। तो फ्रेंड्स, 27th of June की अगर हम बात करें तो अभी भी हमारे पास 30+ days हैं, यानी कि एक महीने का टाइम है। तो फ्रेंड्स, हम विद इन 1 month सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी का एक वीडियो के थ्रू हम आपको सॉल्यूशन देंगे, साथ में PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पहला वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। अप्रैल NSTAT का जो पहला क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था, उस क्वेश्चन पेपर को आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अल्टरनेट डे पे हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम, हो सकता है मैं जो नेक्स्ट सेशन का हमारा PDF है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2017 का जो NSTAT का क्वेश्चन पेपर था उसको देखते हैं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, आज हम NSTAT के क्वेश्चन 2017 में जो पार्ट 1 और 2 आया था उसको हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 2 जो कि जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग से रिलेटेड होता है, 25 क्वेश्चन वहां पे होते हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे और टोटल इनका मार्क जो है 2 मार्क ईच नंबर होता है। अगर आप देखें, ईच करेक्ट 2 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट यहाँ पे बहुत हाई है, 0.5 मार्क। यदि आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सेट है 25 क्वेश्चन का, वो है रिलेटेड टू टीचिंग रिसर्च एंड एप्टीट्यूड टेक्निक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब लर्निंग। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की स्टूडेंट बात करूँ तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, इम्पेयरिंग नॉलेज, डेवलपिंग स्किल एंड इम्प्रूविंग एटीट्यूड्स। स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट अबाउट लर्निंग, यानी कि लर्निंग के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। स्टूडेंट, अगर हम लर्निंग की बात करें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, स्टूडेंट्स रिमेम्बर मोर By discussion then what they hear in a lecture। तो अगर हम स्टूडेंट बात करें, अगर आप क्लास में जाते हैं तो यू रिमेम्बर मोर विद ए डिस्कशन। अगर आप क्लास में कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं आपस में, तो वो चीज़ें ज़्यादा आपके माइंड में रहती हैं rather than a lecture। स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप एक टीचर हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजल्ट, यानी जो स्टूडेंट टीचर के लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजल्ट इज द स्किल एंड परफॉर्मेंस यू वांट द स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट आफ्टर सेशन, यानी सेशन के बाद आप जो स्टूडेंट से रिजल्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं वही एक आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट हो सकता है टीचर के लिए। स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ट्रेनिंग एड्स कैन बी। अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी हम सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, री इन्फोर्स ए पॉइंट, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, एक्सप्लेन ए प्रोसेस। तो एक टीचर के लिए सारी चीजें ये ट्रेनिंग एड के रूप में है, यानी री इन्फोर्स ए पॉइंट, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा जो है, अगर जो मतलब असुलझा डेटा है उसको सिंप्लीफाई करना, एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, सारी चीजें एक ट्रेनिंग एड है। तो यहाँ पे ऑल अबव यानी ऑप्शन नंबर डी होगा।
करेक्ट स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, व्हाट वुड यू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग व्हाइट बोर्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो है एज ए टीचर, अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अगर हम नंबर 1 की बात करें, बी सिलेक्टिव ऑफ व्हाट यू राइट ऑन बोर्ड। आप सिलेक्टिव रहें, जो भी चीज़ें आप बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सिलेक्टिव होनी चाहिए। एज स्टूडेंट टेंड टू कॉपी एनीथिंग रिटन ऑन द बोर्ड। तो हमें जो है सिलेक्टिव चीज़ें वहाँ पे लिखनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ भी वहाँ से कॉपी करते हैं। सेकंड की बात करें, मोर देन 3 कलर मस्ट बी यूज ऑन व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे यानी 3 से ज़्यादा कलर यूज करने चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 या 3 से ज़्यादा कलर यूज करें। इस ऑप्शन ए की बात करें तो यस, करेक्ट है, जो है सिलेक्टिव चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। चलते हैं ऑप्शन सी की बात अगर हम करते हैं, टेक्स्ट ऑन द बोर्ड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद पिक्चर। तो स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी जो स्टडीज हैं उनमें पिक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम मस्ट नहीं कह सकते। हालांकि पिक्चर्स की ज़रूरत होती है, बट वी कैन नॉट से मस्ट। तो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाइल यूजिंग व्हाइट बोर्ड इज इट ए गुड आइडिया टू, ऑप्शन 1 रिकॉर्ड स्टूडेंट फीडबैक टू गेट देम मोर इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। तो ये करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन 2 की अगर हम बात करते हैं, व्हेन यू आर फिनिश राइटिंग टर्न टू फेस द क्लास टॉक टू द स्टूडेंट स्टैंड क्लियर ऑफ बोर्ड। ये ऑप्शन भी सही है। डेफिनेटली हमें, जैसे ही हम बोर्ड पे लिखने के बाद फिनिश कर देते हैं, डेफिनेटली हमें अपना फेस क्लास की तरफ रखना चाहिए, एंड देन स्टूडेंट से बातें भी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं, राइट लार्ज एनफ एंड हाई एनफ फॉर ऑल टू सी। अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हमारा होगा ऑल एवर, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव ट्रेनिंग एड्स। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग एड्स की अगर हम बात करें, मॉडल्स एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट, करेक्ट। स्टूडेंट, मॉडल एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट करेक्ट है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट है, गिविंग सेल्फ स्टडी असाइनमेंट टू द स्टूडेंट इज नॉट द बैरियर टू कम्युनिकेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्बल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रिपेयरिंग कीवर्ड फॉर नोट्स एंड एक्सपेंडिंग देस ऑन ड्यूरिंग द क्लास। टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको प्रिपेयर करें और उनको एक्सपेंड करें ड्यूरिंग द क्लास। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन केस स्पीकर एरेक्सिटी। यानी कि इनमें से कौन सा केस है जो स्पीकर यानी एक टीचर को वहाँ पे, जब अगर क्लास में है तो उसको एरेक्सिटी यानी कि झिझक पैदा करता है। तो अगर हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस की, करेक्ट। अगर ज़्यादा ऑडियंस होंगे, ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, टीचर को झिझक होगी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी करेक्ट है, लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर हम बात करें, सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट मींस। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, कंफर्टेबल एंड नॉन थ्रेटनिंग प्लेस फॉर स्टूडेंट।
अगर हम बी की बात करें, एंश्योर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर प्रॉपर कंडक्ट बाय स्टूडेंट, तो अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे तो दैट इज नॉट द पॉजिटिव क्लासरूम, स्ट्रिक्ट फॉलोइंग द सिलेबस भी नहीं है, नन ऑफ अबव, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ए टीचर शुड गेट टू नो ईच स्टूडेंट करेक्ट, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक करेक्ट, रिकॉग्नाइज ऑल एंड इंडिविजुअल करेक्ट, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मोटिवेट्स स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या चीज मोटिवेट करती है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, कमेंड स्टूडेंट व्हेन दे आर सक्सेसफुल। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें, ये ऑप्शन सब जगह एप्लीकेबल होता है, अगर आप किसी भी जॉब में बात करें, अगर एक मैनेजर उसके जूनियर को, उसके स्टाफ को मोटिवेट करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, तो डेफिनेटली ही गेट मोटिवेट्स। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट बेंजामिन जे ब्लूम ए नोटेड अमेरिकन एजुकेटर एडवोकेट, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा ऑप्शन नंबर बी, लेवल ऑफ लर्निंग 17। डेविड ए कोलब एंड अमेरिकन एजुकेशनल थियोरिस्ट प्रोपागेटेड, इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी फॉर फर्स्ट डे इन द क्लास, इसकी हम बात करें तो फ्रेंड्स अगर आप स्टूडेंट एज ए टीचर अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो फर्स्ट डे बहुत जरूरी होता है, इंट्रोडक्शन कंडक्टिंग इंट्रोडक्शन एंड एड्रेसिंग स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपैक्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ए फेशियल एक्सपीरियंस करेक्ट, आर्टिकुलेशन ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, इफ यू आर नॉट गुड इन प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग। सो अगर हम बात करें तो सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, आई कॉन्ट्रैक्ट इज द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। द रिसर्च दैट जस्ट डिजर्व द फैक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन बिहाइंड इट, इट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरिएबल दैट इफेक्ट द मॉडल विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय इट आर कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 22, वेरिएबल दैट इफेक्ट द मॉडल विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय इट आर कॉल्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक्सोजीनियस वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 23, द पार्ट ऑफ डिजाइन दैट डील विद मेथड ऑफ सिलेक्टिंग आइटम फॉर रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, सैम्पलिंग डिजाइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। द सैम्पलिंग टाइप इन विच बिटवीन फर्स्ट एंड nth एलिमेंट एंड एवरी फिफ्थ एलिमेंट इज सिलेक्टेड टू कलेक्ट द सैंपल इज कॉल्ड, अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो एक सिस्टमेटिक वे हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट x एलिमेंट एंड y एलिमेंट n एंड p एलिमेंट, सो दिस इज ए सिस्टमेटिक वे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमें सिस्टम दिया हुआ है किस टाइप से सिलेक्शन करना है, सो दिस इज ए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, कोरिलेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। स्टूडेंट जो हमारा पेपर वन होता है 50 मार्क का, 1 आवर का, उसमें 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट जो आपका बेसिक
टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टेक्निक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एंड जो सेकंड उसके 25 क्वेश्चन हैं जिसको हम सेकंड पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो रीजनिंग एबिलिटी एंड डाइवर्जन थिंकिंग एंड कंपेरिजन जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेंगे। इसमें हमारे 5 से 6 क्वेश्चन करंट नॉलेज पे ही बन जाते हैं जनरल नॉलेज के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, यहां पे स्टेटमेंट है और 2 आर्ग्यूमेंट हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट की बात करते हैं, शुड वर्कर बी अलाउड इन टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री ऑफ इंडिया। क्या वर्कर को हम जो इंडिया की फैक्ट्रीज हैं उनमें मैनेजमेंट लेवल पे अलाउ कर देना चाहिए। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, यस इट इज द प्रेजेंट मैनेजमेंट थ्योरी। तो अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट तो ये सही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट मैनेजमेंट की कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जहाँ पे ये मेंशन है। सेकंड की बात करते हैं, नो मैनी वर्कर आर इलिटरेट, देयर कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी ऑफ वैल्यू। तो इसकी बात करें करेक्ट, क्योंकि ये रियलिटी है, मैनी जो वर्कर हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ओनली बी इज स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, पैरेट एंड केज का जो रिलेशन है वही मैन का किससे है। पैरेट, अगर केज की हम बात करें तो केज होता है प्राइजन, यानी इसका मतलब होता है पिंजरा, केज मीन्स पिंजरा। तो मैन की अगर हम बात करें, अगर हम पैरेट को पिंजरा है तो मैन के लिए यहाँ पे जेल हो जाएगा। तो जेल की अगर हम बात करें, प्राइजन का मतलब जेल होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का स्टेटमेंट, सिंस द फीलिंग ऑफ सुपरियोरिटी इज बिल्ड इन व्हेनेवर देयर इज ए सोशल डेवलपमेंट, यानी सुपीरियरिटी की जो फीलिंग है इज बिल्ड इन होती है व्हेन देयर इज ए डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। देयर इज ए लिटिल दैट कैन बी डन टू अरेस्ट इट एक्सेप्ट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कंक्लूजन 1 की अगर बात करें, टू मेंटेन सोशल डेवलपमेंट कॉम्प्लायंस शुड बी अलाउड, करेक्ट। सोशल डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लायंस रन साइड बाय साइड, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, रवि इज टू इंटेलिजेंट टू फेल इन द एग्जामिनेशन। अगर हम अजम्पशन फर्स्ट की बात करें, वेरी इंटेलिजेंट वाई डू नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये करेक्ट है। जो इंटेलिजेंट वाइज होते हैं वो फेल होने के चांस कम रहते हैं, और नहीं होंगे वो, एटलीस्ट वो फेल तो नहीं होंगे चाहे उनके मार्क कम आ जाए अगर हार्ड भी एग्जाम होता है। स्टूडेंट अगर सेकंड अजम्पशन की हम बात करते हैं, दोज हु आर नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल मे फेल इन द एग्जामिनेशन, तो ये बात भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो इंटेलिजेंट नहीं है तो वो उनके चांसेस हैं कि फेल हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ आर इम्प्लिक्ट। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 की ओर, इंसर्ट द अर्थमेटिक साइन इन द फॉलोइंग न्यूमेरिकल फिगर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ये साइन है, कौन सा साइन फिट होगा। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, 9+6 × 3 = तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े स्टूडेंट को हो सकता है काफी लोगों को ये चीज ना पता हो, एक रूल होता है हमारा, अगर आपने बेसिक पढ़ी है, बोर्ड मास रूल, जो कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथ के लिए होता है, बोर्ड मास BODMAS। तो अगर हम इस रूल की बात करें तो पहले हम डिवाइड करते हैं, पहले ब्रैकेट है अगर तो उसको ऑपरेट करना होता है, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ऐड होगा, अगर लास्ट में हमारा सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ हम बात करें, हमारे पास ब्रैकेट भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो 6 × 3 को हम यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 18 यहाँ पे हमें आ जाता है, 6 × 3 = 18 प्लस हमारा 9 यहाँ पे पहले से चल रहा है, तो अगर हम इनको ऐड करके वैल्यू प्राप्त करते हैं तो ये 27 हमें मिल जाती है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा।
स्टूडेंट क्वेश्चन था 31 क्रॉप कंडीशन कंट्रीज कंटिन्यूज टू बी क्रिटिकल बिफोर रेन। स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे ये कह रहा है क्रॉप यानी फसल की जो कंडीशन है वो कंटिन्यू है क्रिटिकल है बारिश से पहले। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पहले ऑप्शन की बात करें इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव आफ्टर रेन। डेफिनेटली अगर रेन के बाद पहले क्रिटिकल है तो बाद में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन इम्प्रूव होगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड की अगर हम बात करें अनलेस इट इज इट रेन नो चेंजेस इन क्रॉप कंडीशन लाइकली टू बी, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 32 की ओर। लेट द गवर्नमेंट इंक्रीज द प्रेजेंट रेट ऑफ टैक्सेशन टू रिकवर द डेफिसिट इन बजट। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे बात करें डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो स्टूडेंट डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट अपने बजट जो प्रेजेंट बजट है उसमें टैक्सेशन में पार्ट है उसको इंक्रीज कर दे, जो घाटा है बजट का घाटा है उसको उसकी आपूर्ति करने के लिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट आर्गुमेंट है प्रेजेंट रेट ऑफ टैक्सेशन इज वेरी लो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट टैक्सेशन लो है इसलिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो इसको इंक्रीज कर रही है उसका मेन रीजन है डेफिसिट इन बजट। तो अगर हमारा पहले से भी टैक्सेशन हाई है तब भी गवर्नमेंट इसको और हाई कर देगी, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सेकंड की अगर बात करें गवर्नमेंट वांट टू गेट अवे विद द बजटरी डेफिसिट इट शुड इंक्रीज द टैक्स रेट, करेक्ट। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो बजटरी डेफिसिट बजट का जो घाटा है उसको उसकी आपूर्ति करने के लिए उसको टैक्सेशन में इंक्रीज करना पड़ रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है द एसेंस ऑफ ए डे क्रिकेट इज द एबिलिटी टू स्कोर रन फास्ट एंड टू बॉल विद ए मिक्सचर ऑफ कंट्रोल एंड एग्रेसिव विच एड्रोइटली हैंडल कैन टाई द अपोनेंट हैंड एंड फुट। तो ये कह रहा है अगर वनडे क्रिकेट की हम बात करें इज द एबिलिटी टू स्कोर रन फास्ट, वनडे क्रिकेट जो है वो रन फास्ट करके बॉल विद मिक्सचर कंट्रोल के साथ अगर हम करते हैं तो वो अपोनेंट को हराने में कारगर होती है। तो अगर हम इसकी बात करें कपिल देव हु वन द वर्ल्ड कप इन 1983, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, कपिल देव उसमें शामिल थे। तो ये ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये कोई जरूरी नहीं कि हैड ऑल अबव क्वालिटीज, कपिल देव में सारी क्वालिटीज थी। ऑप्शन टू की अगर हम बात करें एग्रेसिव बॉलिंग एज वेल एज फास्ट स्कोरिंग रन आर इक्वली इंडिसिप्लिनेबल टू विन ए वनडे क्रिकेट, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, ओनली सेकेंड इज इम्प्लिक्टेड। बुक विदाउट नॉलेज ऑफ लाइफ आर यूजलेस, कि जो बुक है विदाउट लाइफ की नॉलेज की यूजलेस है। ऑल द बुक कंटेन नॉलेज ऑफ लाइफ, गलत है बिल्कुल, सारी बुक नॉलेज ऑफ लाइफ कंटेन नहीं करती है। सेकंड ऑप्शन पीपल शुड बी एनेक्सियस टू एक्वायर नॉलेज ऑफ लाइफ, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये भी गलत है, ये कोई जरूरी नहीं है कि लोगों को लाइफ की नॉलेज में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग सेकेंड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा आंसर इसका, नाइदर ए नॉर बी फॉलोस। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन 35। स्टूडेंट स्टेटमेंट जो है 35 का अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर देयर रिक्रिएशनल वैल्यू शुड आल्सो बी कैप्ट इन अकाउंट। ऑप्शन कंक्लूजन वन की अगर हम बात करें पीपल टेक न्यूज़पेपर टू बी ए मीन ऑफ इंपेयरिंग एजुकेशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ न्यूज पेपर इज ऑल्सो पैरामाउंट इंपोर्टेंस, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लिक्टेड या फॉलोज। 36 to 40 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन ए पैराग्राफ, पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं देन वी विल सोल्व द क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों,
प्यारे स्टूडेंट, ये पैराग्राफ कुछ दिया हुआ है। एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे सभ्य। वेन मैनी नेशन आर ब्रॉट इन टू क्लोज एंड वाइटल कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड एंड एविल, इट इज एसेंशियल और नेवर बिफोर दैट देयर ग्रॉस इग्नोरेंस ऑफ वन अनदर शुड बी डिमिस्ड। यानी जो एक दूसरे कंट्री को, जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, तो वो इग्नोरेंस कम होनी चाहिए। डिमिस का मतलब यहाँ पे होता है कम। दैट दे शुड बीइंग टू अंडरस्टैंड ए लिटिल ऑफ वन अनदर हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस। इन चीज़ों को इग्नोर करके उनको एक दूसरे की हिस्ट्रिकल जो वैल्यूज हैं, एक्सपीरियंसिस हैं, उनको समझना चाहिए। रिजल्टिंग मेंटेलिटी, इट इज ए फॉल्ट ऑफ इंग्लिश टू एक्सेप्ट दैट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज टू रिएक्ट एज दे डू। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि इंग्लिश मैन को का जो गलती है ये है, वो ये सोचते हैं जैसा हम रिएक्ट करते हैं वैसा ही अदर कंट्री के लोग भी रिएक्ट करें टू पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन। यानी जो इंग्लिश मैन है जैसा रिएक्ट वो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल सिचुएशन पे करते हैं, वैसा ही रिएक्शन वो अदर कंट्रीज से भी एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं। अवर जेन्युइन गुडविल एंड गुड इंटेंशन आर ओपन ब्रॉट टू नथिंग। हमारी जो अच्छी गुडविल है और इंटेंसिव है, ओपन जो हम यूज करते हैं, वो कुछ हमें लेके नहीं आती है, ब्रॉट नथिंग, बिकॉज वी एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू लाइक अस, क्योंकि हम दूसरे लोगों से भी सेम चीज एक्सपेक्ट करते हैं। दिस वुड बी करेक्टेड इफ वी नो द हिस्ट्री, नॉट नेसेसरी इन डिटेल बट इन ब्रॉड आउटलाइन। तो ये सारी चीजें, अगर जैसा कि इंग्लिश मैन है जो चाहते हैं कि जैसा वो पॉलिटिकल सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं वैसे ही और लोग भी करें, तो ये सब चीजें जो हैं हम इन चीजों को बंद कर सकते हैं अगर हम दूसरे कंट्रीज की पॉलिटिकल हिस्ट्रीज के बारे में जानकारी रखते हैं। तो वो सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन विच दे हैव गिवन टू ईच नेशन इट्स प्रेजेंट करेक्टर। अगर हम बात करें सारे नेशन की, एक प्रेजेंट करेक्टर होते हैं यानी हिस्ट्री होती है, तो अगर हम एक आउटलाइन भी अगर उन्हें नेशन की देख लेते हैं, उनके नॉलेज है हमें, तो हम इन सब चीज़ों में नहीं फंसेंगे। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मेंटालिटी ऑफ ए नेशन इज मेनली प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट करेक्टर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है स्टूडेंट, या ऑप्शन बी करेक्ट है इंटरनेशनल पोजिशन, या ऑप्शन सी पॉलिटिकल। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ बात करें तो ये सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। यहाँ पे हिस्ट्री की बात हुई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, करेक्टर ऑफ ए नेशन इज द रिजल्ट ऑफ इट्स। अभी हमने बात करी थी एक नेशन का जो करेक्टर है वो किस चीज का रिजल्ट है, कल्चरल, फर्स्ट ग्रोस इग्नोरेंस, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है कल्चरल हेरिटेज, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस। सो थर्ड ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट है, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस। स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीड फॉर ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मोर टुडे देन एवर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इंग्लिश मैन लाइक अदर टू रिएक्ट टू पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक। सो अभी हमने जैसा पैराग्राफ में पढ़ा था, जो इंग्लिश मैन है वो अदर नेशन को चाहते हैं कि जैसा वो रिएक्ट करे वैसा ही वो अदर नेशन से एक्सपेक्ट करते हैं, तो देम सॉल्व इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज कंट्री मैन शुड रीड द स्टोरी की यहाँ पे नहीं बात हुई थी, वहाँ पे हिस्ट्री की बात हुई थी। नोट रिएक्ट टू अदर एक्शन, ये भी नहीं गलत है। हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर नेशन, Have vital contract with other nation. तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, डी भी यहाँ पे रहूंगा, have a better understanding of other nation. Student, next question, brass get disapp
discolored in air because of the pressure of which of the following gases in the air? स्टूडेंट ब्रास का मतलब होता है पीतल, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पीतल है वो अगर उसका जो कलर है वो डिसकलर हो जाता है हवा में कौन से गैस के कारण। तो अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल जिनको हम बोलते हैं उसमें ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ऑप्शन ए यानी यहाँ पे करेक्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज दैट इज कन्याकुमारी एच। इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है, डी ऑप्शन, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। सो स्टूडेंट अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इसका मतलब होता है भूमध्य रेखा, और स्टूडेंट अगर हम पेनिसुलर की बात करें तो इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रायद्वीप, प्रायद्वीप से संबंधित। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री वाईफाई फैसिलिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसकी अगर हम बात करें, बिहार था वो स्टेट जिसने पहले फ्री वाईफाई की फैसिलिटी स्टार्ट की थी। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग टुक चार्ज एज न्यू डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट ये करंट से आया हुआ क्वेश्चन था, इसका आंसर था केशव प्रसाद मौर्य एंड दिनेश शर्मा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2018 ओडीआई ब्लाइंड वर्ल्ड कप। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है शाहिद अफरीदी, ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन तक करंट से बन जाते हैं, रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, रिलेटेड टू एनी न्यू टेक्नोलॉजी विच रिसेंटली बीन लॉन्च्ड, या रिसेंटली अगर सेंसिस हुई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाते हैं। तो स्टूडेंट आप जो करंट है उसकी भी तैयारी आप जनरली न्यूज़पेपर के थ्रू और मैगजीन के थ्रू करते रहें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट बेस्ट टू पावर प्लांट इन न्यू दिल्ली। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, वेंकैया नायडू। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन 48 की ओर, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू डिप्टी गवर्नर इन आरबीआई। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट था, बीपी कानून को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन 1814 डिस्ट्रेस वुमेन। इसकी अगर हम बात करें तो उड़ीसा वो स्टेट था, उड़ीसा जहाँ पे ये हेल्पलाइन स्टार्ट की गई थी। तो याद रखे दोस्तों, उड़ीसा वो स्टेट था। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट, हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल फॉर साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन SAARC। इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, अमजद हुसैन बी सियाल। सो स्टूडेंट वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में जो NSTAT में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और स्टूडेंट हम आपको इसकी PDF फाइल भी नीचे गए डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है, और आप इसको अच्छे से घर पे बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें होटल मैनेजमेंट के NSTAT से रिलेटेड एग्जाम की, तो बहुत कम क्रिएटर हैं यूट्यूब पर भी, या अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की भी बात करते हैं तो बहुत कम ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है, कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है, कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं है जो हमें NSTAT से रिलेटेड गाइड करे। तो स्टूडेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड करें, हालाँकि मैं अभी इतने अच्छे लेवल में टीचिंग शायद ना कर पाऊँ, बट फिर भी हम आपके सजेशन का वेलकम करेंगे। कुछ भी आपको गलती अगर नज़र आ रही है, कुछ भी अगर गलत लग रहा है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, और डेफिनेटली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। और स्टूडेंट अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कोई भी हेल्प लगी, या ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो आपके दोस्त लोग हैं
वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो स्टूडेंट हम आशा करते हैं आप NSTAT को क्लियर करें। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं एक और अच्छी खबर यहाँ पे ये है, NSTAT का जो एग्ज़ाम था वो अभी एक्सटेंड हो गया है, यानी जो एप्लीकेशन था वो एक्सटेंड हो गया। अभी आप जून मंथ तक इसको अभी एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि आप फॉर्म को भी ऑनलाइन जाके फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने फिलअप नहीं किया है, अगर आपने BSc इन होटल मैनेजमेंट रेगुलर किया है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को दें और डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों हम डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, कभी कभी हो सकता है वो अल्टरनेट डे पे हो जाए, कोशिश हम करेंगे डेली एक वीडियो आपको दे दी जाए, क्योंकि मई जून मंथ में जो एग्ज़ाम है उससे पहले पहले हम आपको सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करा देंगे। तो हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आप घर पर सेफ हैं, तो आप घर पे रहिएगा और सेफ रहिएगा और देखते रहिएगा अपना टेक गुरु, जहाँ पे हम होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड और काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।